नमस्कार, सुजाता की रसोई से मैं आप सबका स्वागत है। आज भी हम बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, अगर लॉकडाउन में किसी का बर्थडे है या मैरिज एनिवर्सरी है तो आप इस एगलेस चॉकलेट केक को बहुत ही आसानी से घर में बना करके सेलिब्रेट कर सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से बन भी जाता है, तो आप खुद देख भी लीजिए। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये 1.5 कप मैंने मैदा लिया है और नमक लिया है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है, 1 कप मैंने पिसी हुई चीनी ली है, 6 टेबल स्पून मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, 1 टीस्पून वनीला एसेंस लिया है, 1 टेबल स्पून नींबू का रस लिया है और ये 1 कप मैंने पानी लिया है और 1/4 कप मैंने कोको पाउडर भी लिया है। सबसे पहले हम एक बड़े बर्तन में छन्नी को रख करके सूखे इन्ग्रीडियंट्स को अच्छी तरह से छान लेंगे। कोको पाउडर भी डाल देंगे। पहले मैंने मैदा डाल दिया है, अब इसमें हम बेकिंग सोडा और नमक भी डाल देंगे। फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा ही लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना है बिल्कुल भी। इसको बहुत अच्छी तरह से छान लेंगे, इसको छानना बहुत ज़रूरी है। अब बाद में हम इसमें शुगर भी डाल देंगे, इसको भी छान लेंगे। ये मैंने मिक्सी में पीस ली थी चीनी को, इसको भी इसी तरह छान लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है छानने के बाद। ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब इसको हम एक तरफ रख देंगे उठा करके सूखे इंग्रेडिएंट्स को। अब ये 1 कप पानी में मैंने वनीला एसेंस डाल दिया है और ये तेल भी डाल दिया है। ये मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप कोई सभी कुकिंग ऑयल ले सकते हो। नींबू का रस भी डाल देंगे इसी में, थोड़ा सा मिला लेंगे, ज़्यादा बहुत देर नहीं हिलाना है इसको। अब ये सारा हम इसमें डाल देंगे मैदे में। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा मिलाने में, 30 से 35 सेकंड में ही ये रेडी हो जाएगा। इतने हम ओवन को प्रीहीट होने के लिए रख देते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पर। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है और बहुत तेज़ तेज़ नहीं फेंटना है, बस इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। ये देखिएगा, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। ये मैंने इसमें अच्छे से ऑयल लगा लिया था और इसमें पेपर भी बिछा दिया है, बटर पेपर। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम सारा डाल लेंगे। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया है, इसी तरह का होना चाहिए आपका बैटर भी। इसको 1-2 बार टैप कर लेंगे अच्छे से ताकि कोई बबल्स ना रहे। ओवन भी प्रीहीट हो गया है, हम इसको 1/2 घंटे के लिए बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर। और फ्रेंड्स, ध्यान रहे 1/2 घंटे बाद आप इसको चेक जरूर कर लीजिएगा टूथपिक डाल करके। अगर थोड़ा सा भी टूथपिक गीला आता है तो 5 मिनट के लिए आप और रखिएगा इसे। ये देखिए, केक बन करके रेडी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है, इसमें हल्के से क्रैक भी आ गए हैं, तो इसका मतलब ये एकदम परफेक्ट बना है। इसको ठंडा होने के बाद ही आप इसकी किनारियों में चाकू से इस तरह से हटा दीजिए, तो ये आसानी से निकल जाएगा केक। गरम गरम में बिल्कुल ना करें वरना ये टूट जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। या तो प्लेट ले लें या इस तरह की जाली ले लें, बहुत हल्के से टैप कर देंगे। हल्के हल्के टैप किएगा, ज़्यादा तेज़ ना करिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया बनकर के तैयार हुआ है। हम बटर पेपर को हटा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बना है और एकदम स्पॉन्जी बना है ये। अब इसको मैं डेकोरेट करूँगी चॉकलेट सिरप से। ये देखिए, प्लेट भी सीधा कर लिया है। ये मैंने 150 ग्राम पिसी हुई चीनी ली है और 4 टेबल स्पून मैंने दूध लिया है, 4 टेबल स्पून ही मैंने कोको पाउडर लिया है, 1/4 टी स्पून मैंने वनीला एसेंस लिया है और 2 टेबल स्पून बटर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इन सबको मिक्सी में डाल करके पीस लेंगे, तो इससे हमारी चॉकलेट सिरप तैयार होगी। इससे हम केक को डेकोरेट करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ध्यान रहे, जब आप चीनी को पीसें तो बिल्कुल बारीक पीसने चीनी को। बटर भी डाल देंगे, बटर सारा डालेंगे, जरा भी नहीं रहे इसमें, सब पोंछ लीजिएगा।
दूध भी डाल देंगे। अब इसको हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है मिक्सी में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिक्सी में बना लिया है, ये बहुत ही बढ़िया बनिया है सिरप, देख सकते हैं आप। अब इसको बना करके फ्रेंड्स आधे घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखिएगा सिरप को। ये मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है, आधे घंटे के लिए रखा था, अब बहुत ही बढ़िया बन गया है ये। अब इसे हम चॉकलेट सिरप को अच्छे से लगाएंगे इसके ऊपर, केक के ऊपर। इससे ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये वाला केक। इस तरह से हम चारों तरफ लगा देंगे। अगर ये नीचे भी गिरे तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। आप इसे अपनी मनपसंद किसी भी चीज़ से डेकोरेट कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं इसमें, बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो मैं फ्रेंड्स इसमें जेम्स लगा दे रही हूँ। ये जेम्स से भी बहुत बढ़िया लग रहा है, ये बनकर के एकदम से रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कितना बढ़िया लग रहा है। मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ, देखिए फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट है ये, एकदम स्पॉन्जी और सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया बना है। कितने आसानी से कट रहा है ये। अब हम इसको निकालेंगे, आराम से निकालिएगा। ये देखिए कितना स्पॉन्जी बना है, कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है ये। मैं इसको एक प्लेट में रख के दिखा देती हूँ आपको कट करके। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है, एगलेस चॉकलेट केक बनकर के रेडी है। बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। आपने देखा ये कि कितने कम सामान और कितनी आसानी के साथ ये घर में बनकर के रेडी हुआ है फ्रेंड्स। इसमें कुछ भी फेंटने का भी झंझट नहीं है और कोई भी इसमें हमने महंगा सामान कुछ नहीं डाला है। आपने इसे खुद भी देख लिया है और एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके बनाइएगा आप, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और आज की रेसिपी आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।